हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवुष्मिता मैम और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एक बहुत ही पॉपुलर राइम को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग एक्शंस करके बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं और उस राइम से बच्चों को बाहर की और कौन कौन सा नॉलेज दे सकते हैं। हम लोग बच्चों को तैयार करने के लिए ये सारा मटेरियल को इकट्ठा करके बच्चों के सामने एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, आपका कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो कोई भी मटेरियल की जरूरत हुई है मुझे, वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो राइम को डिस्कस करने वाले हैं वो है रेन रेन गो अवे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स में ये पॉपुलर राइम को आप देख सकते हो। बहुत ही कार्टून वे से बच्चों को दिया जाता है और सॉन्ग्स की तरह समझाया जाता है। लेकिन क्या आपको इसी एक राइम से बच्चों को और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें सिखाया जा सकता है वो आपको मिलता है, वही चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो रेन रेन गो अवे को हम लोग कैसे बच्चों को एक्शंस करके सिखा सकते हैं वो मैं बता दूं। तो लेट्स स्टार्ट। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ओके, तो मैं इस एक्शन को एक बार और रिपीट करूं। Rain, rain, go away, come again another day, little Johnny wants to play, rain, rain, go away। पहले तो आपको बच्चों को ये रेन रेन राइम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनके मदर लैंग्वेज में। उनके मदर लैंग्वेज हो सकता है बंगाली, हो सकता है हिंदी या फिर हो सकता है इंग्लिश। तो आपको पहले उनके मदर लैंग्वेज में उनको सिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे सिखा सकते हो? रेन रेन मतलब बारिश, आप दूर जाओ, अभी नहीं आओ, आप दूर जाओ। लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है जॉनी, वो खेलना चाहता है। तो रेन रेन आप दूर जाओ, कम अगेन अनादर डे मतलब आप दूसरे दिन आओ, आज नहीं आओ, अगर आज आप आओगे तो हमको खेलने में दिक्कत होगी। तो रेन रेन आज आप नहीं आओ, दूसरे दिन आओ। छोटा बच्चा जो जॉनी, उसको खेलना है, उसको खेलना खेलना है, तो वो खेलना चाहता है और ये रेन रेन आप दूर जाओ। आप ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप जो एक चीज कर सकते हो वो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, लाइक दिस। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेनकोट। Yes, this is a raincoat. आप रेनकोट बना सकते हो। कोई भी एक पेपर लेके उसके ऊपर ड्रॉ करके, क्रेयॉन या फिर पेंट यूज करके एक रेनकोट बना सकते हो, उसको कटिंग कर सकते हो और कोई भी एक स्टिक लेके उसके ऊपर ये चिपका सकते हो, तो आपका एक कटआउट बन जाएगा। और बच्चे ये बहुत ही पसंद करते हैं, ये कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसके साथ साथ आप एक कलरफुल अम्ब्रेला बना सकते हो जो रेन से रिलेटेड है, या फिर एक गमबूट बना सकते हो जो रेन के टाइम हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। आप ऐसे पहले उनको एक्सप्लेन करो कि गमबूट, अम्ब्रेला एंड रेनकोट, ये तीनों चीज हम लोगों को रेनिंग से प्रोटेक्ट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट से आप उनको कलर कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। कैसे? व्हाट इज द कलर ऑफ द रेनकोट? येल्लो। एंड व्हाट इज द पॉकेट? व्हाट इज द कलर ऑफ द पॉकेट्स? यस, रेड। हाँ, तो आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स को लेके आप उसको कलर कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ये अम्ब्रेला को जितना भी कलर्स आपने बनाया हुआ है उसी हिसाब से उनको मेंशन करवा सकते हो, तो उनका कलर आइडेंटिफिकेशन भी आएगा। या फिर रेन से रिलेटेड जो कोई भी अदर चीजें है, लाइक स्टॉर्म, थंडर, ये सब क्या है, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ऐसे बता सकते हो कि कभी कभी रेनिंग के पहले बहुत तेज हवा चलती है,
उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। यस। और थंडर क्या है? जब बिजली कड़कती है यस, उसको बोलते हैं थंडर। तो आप ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक चीज आप और कर सकते हो कि बच्चों को सीजन्स के बारे में बता सकते हो, जैसे कि रेन कब होता है? रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन क्या है? रेनी सीजन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेन सीजन्स के बारे में बताना पड़ेगा। मेन जो सिक्स सीजन्स है हमारा, उस उनमें से सबसे पॉपुलर सीजन्स कौन कौन सा है? समर, रेनी, विंटर, स्प्रिंग। ये चारों मेन सीजन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समर में क्या होता है, रेनी में क्या होता है, और स्प्रिंग में क्या होता है, ये विंटर में क्या होता है, ये सब आप उनको जानकारी दे सकते हो। तो व्यूअर्स, आपको पता चला कि कैसे एक छोटा सा राइम, एक बहुत ही पॉपुलर राइम, उसको उठा के हम बच्चों को और भी ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में नॉलेज दे सकते हैं, और उसको उसी राइम को एक्शन करके हम दिखा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जरूर वापस आऊंगी और भी अच्छा अच्छा एक्टिविटीज लेके, जो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा और भी जानकारी लेके। तो टिल देन, बाय बाय।